Assalamualaikum नाज़िम, मैं फखर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। नाज़िम, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। यकीनन आप मेरी रैंकिंग की वीडियो और जो बारिश की पेश गई है, बारिश के हवाले से रोस्ट वीडियो एक तरह से कह सकते हैं, वो आप देख चुके होंगे। इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आज के मैच में क्या होने जा रही है। पाकिस्तान का स्क्वाड देख लेंगे, वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है उसको भी देख लेंगे, और पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि जो सबाइना पार्क है उसमें पेस बॉलर्स काफ़ी कारआमद रहते हैं। पिछले 5-6 सालों का देखा जाए रिकॉर्ड, पेस बॉलर्स ने काफ़ी बेहतर कार का मुजाहिरा किया है। तो उस वाले से पाकिस्तान को किन पेसर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, किन बैट्समैन के साथ मैदान में उतरना चाहिए, वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें। पहले देख लेते हैं हम जी वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड क्या है टेस्ट सीरीज़ के लिए। उनमें शैनन गैब्रियल इस बार उन्होंने शामिल नहीं किए, वो इंजरी से अभी रिहैब में है, अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। तो शैनन गैब्रियल मिस आउट करने जा रहे हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के जो तीन एस बॉलर्स चल रहे हैं अभी तक, केमार रोच हैं, जेसन होल्डर है और शैनन गैब्रियल हैं, तो उनमें से शैनन गैब्रियल जो है वो मिस आउट करने जा रहे हैं। टॉप बेस्ट वैसे इनके स्क्वाड पर नज़र डाली जाए तो क्रेग ब्रेथवेट कप्तानी करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ में। जर्मेन ब्लैकवुड हैं उनके वाइस कैप्टन, उसके बाद हैं बोनर, शमारा ब्रूक्स, हकीम कॉर्नवल, रोस्टन चेज, जोशुआ डि सिल्वा, जहमार हमिल्टन, जमार होल्डर, जेसन होल्डर, शाई होप, अजारी जोसफ, काइल मेयर्स, केरन पॉवल, किमार रोच, जेडन सील्स और जोमेल वारिकन। पाकिस्तान के स्क्वाड पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान कैप्टनसी करने जा रहे हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, आबिद अली, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ, हसन अली, इमरान भट्ट, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साजिद खान, सरफराज अहमद, साउथ शकीर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी, यासिर शाह और जाहिद महमूद। 21 लोगों का स्क्वाड पाकिस्तान दो टेस्ट मैचेस के लिए साथ लेकर गया है वेस्ट इंडीज़ में। तो सबसे इनकी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आप मेरी प्लेइंग 11 से एग्री करते हैं या नहीं करते, और आप इसमें से क्या चेंजेस करना चाहते हैं, और अपनी प्लेइंग 11 भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं देखूंगा कि मेरे से आपकी कितनी मैच करती है और मेरे से बेहतर प्लेइंग 11 आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो डाल लेते हैं नज़र मेरी प्लेइंग 11 में। आबिद अली मैं खिला रहा हूँ एज ओपनर, इमरान भट्ट के साथ जो पिछली पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, कोशिश कर रहा हूँ मैं उसी को ही थोड़ी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू किया जाए। बैटिंग ऑर्डर तो हमारा पिछली 2-3 सीरीज से यही चल रहा है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी यही बैटिंग ऑर्डर खेला था और क्लिक भी कर रहा है, ये नहीं है कि बुरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्लिक कर रहा है, तो उसी के साथ मैं परसिस करने जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पर अजहर अली आएंगे, चौथे नंबर पर हैं बाबर आजम, पाँचवें पर फवाद आलम, छठे पर मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, सातवें पर फहीम अशरफ, और आठवें पर मैं हसन अली को खिला रहा हूँ, नौवें पर यासिर शाह, दसवें पर मोहम्मद अब्बास, और 11 नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी या फिर नुमान अली में से मैं चॉइस रख रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अगर फास्ट बॉलर्स को ही सूट करी होगी तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाया जा सकता है, अगर थोड़ा स्पिन मौजूद हुआ विकेट में तो नुमान अली के साथ भी जाया जा सकता है। नुमान अली ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज भी दिखाते आ रहे हैं और बैटिंग में भी इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने 90 रन की इनिंग्स काफ़ी अच्छी खेली थी। तो अगर आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के जो दो टेस्ट मैचेज उनका शेड्यूल क्या है, उनकी टाइमिंग्स क्या होने जा रही हैं, रैंकिंग्स पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, कौन सी टीम कितने मैचेज जीतेगी तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, कितने पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, कितने पॉइंट्स कम हो जाएंगे हारने पर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनको सीरीज़ जीतने पर कितने पॉइंट्स मिलने जा रहे हैं, पाकिस्तान अगर सीरीज़ जीती है सीरीज़ हारती है तो उसके कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तमाम डिटेल से आपको इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं। पहला मैच 12 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और दूसरा मैच होगा 20 अगस्त से। दोनों मैचेस 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होंगे और वेस्ट इंडीज़ के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होंगे। पहले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली सीरीज होने जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। नया साइकिल शुरू हो चुका है 2021 से 2023 तक। पाकिस्तान ने 6 सीरीज में खेली हैं, 3 अवे खेली हैं, 3 होम पर खेली हैं, टोटल 13 मैचेस खेलने हैं। इसका सिस्टम इस तरह रखा गया कि हर मैच इसमें जीतने पर टीम को मिलेंगे 12 पॉइंट्स, अगर मैच टाई होता है तो उस पर मिलेंगे 6-6 पॉइंट्स दोनों टीम्स को, अगर ड्रॉ होता है तो 4-4 पॉइंट्स दोनों टीम्स को मिलेंगे, अगर टीम हार जाती है तो उसको मिलेंगे 0 पॉइंट, और ओवर रेट पेनल्टी के तौर पर 1 पॉइंट उनका माइनस हो जाएगा। अभी तक इस साइकिल का एक मैच हो चुका है जो कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था, और उन दो टीमों को मैच ड्रॉ हुआ था तो 4-4 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन दोनों टीम्स ने ओवर रेट की पेनल्टी की थी तो दोनों टीम्स के 2-2 पॉइंट्स अब कम कर दिए गए हैं। इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीम्स के सिर्फ 2-2 पॉइंट्स रखे गए हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 2-0 से अगर सीरीज जीता है तो पाकिस्तान को 24 पॉइंट्स मिल जाएंगे इस सीरीज से, यानी मैक्सिमम पॉइंट्स जो पाकिस्तान इस सीरीज से ले सकते
सकता है वो 24 हैं, लेकिन बारिश क्योंकि लग रही है काफ़ी ज़्यादा होगी, तो अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो सिर्फ 4 पॉइंट्स एक मैच के दोनों टीमों को मिल सकेंगे। रैंकिंग्स की बात करें तो रैंकिंग इस वक्त पाकिस्तान 92 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर मौजूद है और वेस्ट इंडीज़ 80 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है ICC की टेस्ट इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पिछला साइकिल था उसमें पाकिस्तान ने 6ठे नंबर पर फिनिश किया था जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 8वें नंबर पर फिनिश किया था। अगर पाकिस्तान 2-0 से ये सीरीज़ जीत जाता है तो पाकिस्तान के 97 पॉइंट्स हो जाएंगे और उनकी रैंकिंग 5 ही बरकरार रहेगी। पाकिस्तान अगर 1-0 से जीतता है वेस्ट इंडीज़ से तो उनकी पॉइंट्स हो जाएंगे 96 और रैंकिंग 5 ही रहेगी। अगर पाकिस्तान 1-0-1 से हारता है, वेस्ट इंडीज़ 1-0 से जीत जाता है तो पाकिस्तान के 88 पॉइंट्स हो जाएंगे, रैंकिंग रहेगी नंबर 5 ही। अगर पाकिस्तान 0-2 से हार जाता है वेस्ट इंडीज़ से तो पाकिस्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 86 और रैंकिंग रहेगी नंबर 6 पर। पाकिस्तान अगर 0-2 से आ जाता है तो वो एक पोजीशन ड्रॉप होकर नंबर 6 में आ जाएगा ICC रैंकिंग्स में। और अगर ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाती है या 0-0 से बराबर हो जाती है तो पाकिस्तान के पॉइंट सेम ही रहेंगे और जो पोजीशन है वो भी सेम रहेगी। प्रिडिक्शन की बात करें तो प्रिडिक्शन मैं करने जा रहा हूँ 2-0। अगर रेन ने बीच में मुदाखला ना की और अपनी बेहतर कारकर्दगी ना दिखाई रेन ने तो पाकिस्तान को ये सीरीज 2-0 से जीतनी चाहिए और पाकिस्तान के पास ये काफ़ी अच्छा चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ये जो साइकिल है पाकिस्तान की मुश्किल सीरीज जो है वो होम वाली हैं जिसमें पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है, जो अवे सीरीज हैं वो थोड़ी हल्की वाली हैं उनमें भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो सीरीज़ जीतें ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इस बार पाकिस्तान खेलने की फेवरेट हो सकती है। तो ये सीरीज़ पाकिस्तान को 2-0 से लाजमी जीतनी चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट्स इस सीरीज से हासिल करने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द रेन आती है या नहीं आती। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। रेन के हवाले से वीडियो जाकर भी आप देख सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।